मोहसिन खान और शिवांगी जोशी स्टारर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों इमोशनल ड्रामा चल रहा है। शो में नायरा अपने बेटे की वजह से कार्तिक के घर पर रहने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ कार्तिक और वेदिका की शादी हो चुकी है। ऐसे में कार्तिक की लाइफ से नायरा के निकल जाने के बाद भी वो मौजूद हैं। वहीं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाले एपिसोड में शो में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि कार्तिक जल्द ही नायरा और वेदिका में किसी एक को चुनेगा। दरअसल कार्तिक और नायरा के बेटे कायरव की तबीयत ठीक नहीं है। कार्तिक अपने बेटे को अपने पास रखने के लिए गोयनका हाउस ले आया है। कायरव ने नायरा को भी गोयनका हाउस में रहने के लिए कहा है। कार्तिक नायरा और कायरव के बीच का रिश्ता वेदिका को परेशान कर रहा है और उसे खटक रहा है। अब आने वाले एपिसोड में वेदिका नायरा से घर से जाने को कहेंगी। इसके बाद कार्तिक की दादी सुहासिनी भी कार्तिक से एक फैसला लेने को कहेंगी। इसके बाद कार्तिक को नायरा और वेदिका में किसी एक को चुनना होगा। अब बता दें कि बीते दिनों ये रिश्ता क्या कहलाता है में नायरा को कार्तिक की एक्स वाइफ बताए जाने की वजह से फैंस काफी नाराज नजर आए थे। शो के इस प्लॉट पर मेकर्स का कहना था कि वेदिका का रोल शो में कुछ दिनों के लिए है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों टीआरपी लिस्ट पर टॉप पर चल रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में नायरा और कार्तिक एक दूसरे से मिल पाते हैं या नहीं। नेक्स्ट नाइन लाइफ से ऋतिक की रिपोर्ट।